नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी। महादेव के कंठ से कैसे निकलता है पसीना। कालिंजर किले में भोलेनाथ ने क्यों की तपस्या। बुंदेलखंड के बांदा जिले में जमीन से 800 फीट ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद किला कालिंजर को कालजई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस किले का 18 पुराणों और चारों वेदों में जिक्र है। इस किले में नीलकंठ महादेव मंदिर है जहां समुद्र मंथन से निकले विष के रहस्य छिपे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन 24 की सीरीज मंदिर रहस्य और आज हम आपको नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दर्शन 24 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भगवान के गले से क्यों रिसता है पसीना। कालिंजर में अद्भुत शिवलिंग और इससे निकलने वाले पसीने का राज बेहद गहरा है। पौराणिक मान्यता है कि शिव ने समुद्र मंथन में जो विष पिया उसका प्रभाव यहां दिखाई देता है और उसी प्रभाव की आस्था में सभी नतमस्तक हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मंदिर में आते हैं और शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को हाथों में लेकर अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे शरीर की तपिश कम होती है, साथ ही आपके ऊपर बुरे विचारों का असर नहीं होता। भगवान भोलेनाथ ने जब कालकूट का पान किया, हलाहल का पान किया, इसके बाद भगवान भोलेनाथ कई जगहों पर भटकते रहे और माँ काली की प्रेरणा से आखिर में वे कालिंजर क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं, वहाँ जो पाताल गंगा है वहाँ स्नान करते हैं, साधनारत रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तब जा करके उन्हें शांति प्राप्त होती है। भगवान शंकर ने जब जहर पिया तो उन्होंने उसकी समन के लिए कालिंजर में कालजर मतलब उसकी समन के लिए यहाँ आए थे। बहुत पहले की बात, शांति के लिए। भगवान के कंठ से हमेशा जल निकलता रहता है। ये मुखारविंद मूर्ति है भोलेनाथ की और बहुत लोग आते हैं, जो मनौती होती है यहाँ पे वो मानता है, यहाँ पे पूरी होती है उनकी। काली जी इनको बैठाया यहाँ पे गुफा के अंदर, तब इनके कंठ से जल का रिसाव बराबर निकलता रहता है। जो आदमी मन्नत मानते हैं तो मन्नत इनकी पूर्ण होती है और बहुत पुराणों से पुराणों में इसका लेख मिलता है। इच्छाधारी नागों ने बनवाया था नीलकंठ मंदिर। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ शाम होते ही कोई नहीं रुकता। पौराणिक मान्यता है कि अंधेरा होते ही यहाँ नाग आते हैं और सुबह चले जाते हैं। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नागों ने करवाया। मंदिर को लेकर एक और मान्यता है जो बेहद प्रचलित है। दरअसल बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए यहाँ पानी रुसना बंद ही नहीं होता। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे पानी निकल रहा है, ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। वहाँ के तमाम अवशेष और जो प्रमाण हैं वो इस बात के द्योतक हैं कि वहाँ पर भोलेनाथ आए होंगे। शिवलिंग अद्भुत है, उससे जो पसीना निकल रहा है वह धरती के नीचे की ओर से ऊपर की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुंदेलखंड में जहाँ तमाम जल का अत्यंत संकट है, उस जगह में एक ऐसा शिवलिंग पाया जाना जहाँ हमेशा ही जल रिसता रहता हो, अपने आप में अद्भुत है। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनवाया गया है। तंत्र साधना का केंद्र है कालिंजर। इस मंदिर में भगवान शिव सदियों से वास करते हैं। त्रिकोण सुंदरी यंत्र पर आधारित मंदिर के अंदर एक मंडप बना है जहां साधु संत और भक्त दूर दूर से आकर साधना करते हैं। इस मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में तपस्या करके साधु सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है, विस्पान करके भगवान आए हैं, तो माँ काली का स्थान था यहाँ। काली जी यहाँ अपना स्थान देके कलकत्ते चली गई। नीलकंठ भगवान आके यहाँ विराजमान हो गए, तो नीलकंठ भगवान को विस्पान करने के बाद यही शांति मिली। भरत ने कराया था कालिंजर का निर्माण। कालिंजर के किले पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसमें दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत का नाम सबसे पहले आता है। इतिहासकारों के मुताबिक भरत ने 4 किले बनवाए थे जिनमें से कालिंजर का सबसे ज्यादा महत्व है। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा किला और अजय दुर्ग इसका नाम दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है कि आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ आपको कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ चढ़ सकें। 1249 ईस्वी में यहाँ
अहयवंशी कृष्णराज का शासन था जो चौथी सदी में ये नागों के अधीन रहा। इसके बाद सत्ता गुप्त वंशों के हाथों में गई, पर यहाँ चंदेल राजाओं का शासन रहा। इसका अंत 1545 ईस्वी में हुआ। मंदिर को लेकर एक पौराणिक मान्यता है कि कलिंजर किले में भगवान भोलेनाथ ने तपस्या कर काल को मात दी थी।